गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। आज का अपना जो चैप्टर चल रहा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं अपन। तो आज का अपना टॉपिक है कलेक्टर मॉड्यूलेशन, यानी बीजेटी कलेक्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। तो देखो, बीजेटी कलेक्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जो है, ये एएम वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करने का काफ़ी पॉपुलर मेथड है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, दो ट्रांजिस्टर यूज लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक तो हो गया ट्रांजिस्टर T1, दूसरा ट्रांजिस्टर हो गया ट्रांजिस्टर T2। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो ट्रांजिस्टर T1 है इसके बेस पे अपन कैरियर सिग्नल अप्लाई करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल अप्लाई करते हैं। रेजिस्टेंस R1 R2 जो है ये बायसिंग रेजिस्टेंस कहलाते हैं। RE ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या करता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है, यानी रेजिस्टेंस R1 R2 इस ट्रांजिस्टर को बायसिंग प्रोवाइड करवाते हैं, और RE क्या करता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है। CE जो है ये बाईपास कैपेसिटर कहलाता है, ये लो रिएक्टेंस पाथ ऑफर करता है। ठीक है, अब अगर अपन ट्रांजिस्टर T2 को देखें, तो ट्रांजिस्टर T2 जो है इसमें अपन क्या करते हैं, बेस बैंड सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई करते हैं, जो अपने को मॉड्यूलेशन ट्रांसफॉर्मर के थ्रू मिलता है। ये जो कैपेसिटर है ये क्या करता है, ये कैपेसिटर लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करवाएगा। इसका यूज अपन जो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल जनरेट करने के लिए करते हैं, और उसको जो है डिस्टोर्शन से मुक्त करने के लिए भी इसका यूज लेते हैं, डिस्टोर्शन से प्रिवेंट करता है ये। ठीक है, उसके बाद ये जो है ट्यून्ड सर्किट कहलाता है, जिसको अपन ने ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पे कनेक्ट किया है। ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस RL है, जिसके अक्रॉस में अपन मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त करते हैं। देखो स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, यह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जनरेट करने का बहुत पॉपुलर मेथड है। इस सर्किट में दो T1 एंड T2 NPN ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर T1 के द्वारा कैरियर सिग्नल अप्लाई करते हैं। सर्किट में रेजिस्टेंस R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस है, तथा रेजिस्टेंस RE के साथ मिलकर सर्किट में ट्रांजिस्टर T1 को बायसिंग तथा वोल्टेज स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। सी जो है बाईपास कैपेसिटर कहलाता है, जो लो रिएक्टेंस पाथ प्रदान करता है। ट्रांजिस्टर T2 के द्वारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सेंड करते हैं। यह ट्रांजिस्टर जो है क्लास बी एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। मॉड्यूलेटिंग ट्रांसफॉर्मर के थ्रू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलता है। कैपेसिटर सी का यूज लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, ताकि कैरियर सिग्नल की हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो तथा कैरियर सिग्नल को डिस्टोर्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पे ट्यून सर्किट लगाते हैं। ट्यून सर्किट क्या करता है, कैरियर और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है उसको मिक्स करता है, और लोड पे अपने को मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। देखो क्या करता है, यह कैरियर तथा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मिक्स करता है, तथा इसके अक्रॉस मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका वर्किंग देखते हैं। तो देखो वर्किंग में क्या है, स्टार्टिंग में यदि अपन यहाँ पे कैरियर सिग्नल अप्लाई करें और बेसबैंड सिग्नल जो है अप्लाई नहीं करें, तो ट्यून सर्किट में केवल कैरियर सिग्नल जाएगा और अपने को सेम एम्पलीट्यूड का कैरियर सिग्नल आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, यदि अपन क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर T1 के थ्रू कैरियर सिग्नल और T2 के थ्रू बेसबैंड सिग्नल जब अप्लाई करते हैं, तो ट्यून सर्किट में दोनों सिग्नल मिक्स होते हैं। ट्यून्ड सर्किट क्या करता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड करता है। ठीक है, यानी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या होता है, जो कैरियर सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अनुसार चेंज होता है, और अपने को आउटपुट में मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, अपन वर्किंग देखते हैं। यदि हम ट्रांजिस्टर T1 पर कैरियर सिग्नल अप्लाई करें तथा ट्रांजिस्टर T2 पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई नहीं करें, तब T1 के कलेक्टर पर सेम एम्पलीट्यूड का कैरियर सिग्नल प्राप्त होगा, जो हमें आउटपुट में मिलेगा।
ठीक है। यदि हम ट्रांजिस्टर T1 पर कैरियर सिग्नल अप्लाई करें तथा ट्रांजिस्टर T2 पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई करें, तब यह दोनों सिग्नल आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है। दोनों मिक्स हो गए तो ट्यून्ड सर्किट क्या करेगा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड करेगा, ठीक है। कैरियर सिग्नल जो है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार वेरी करेगा और लोड के अक्रॉस में अपने को मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसके द्वारा हमें हाई पावर आउटपुट तथा गुड लीनियरिटी प्राप्त होती है। तो देखो इसकी एडवांटेज देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट एडवांटेज तो यही होगी, लीनियरिटी इसकी अच्छी होती है, आउटपुट पावर अधिक होती है, कलेक्टर इफिशियंसी भी अधिक होती है। अगर डिसएडवांटेज देखें तो हाई पावर मॉड्यूलेटेड एम्पलीफायर के साथ अधिक मॉड्यूलेटिंग पावर की आवश्यकता होती है, ठीक है। कलेक्टर सेचुरेशन के कारण 100% मॉड्यूलेशन प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या था अपना कलेक्टर मॉड्यूलेशन, यानी BJT कलेक्टर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। अगर सर्किट में या इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।